नमस्कार किसान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसानों की दुनिया में। तो आज हम दोस्तों एक ऐसा ट्रैक्टर कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही एंटीक पीस है और सन 1971 मॉडल है। तो आज हम इससे इसके बारे में आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर कैसा चल रहा है, आज भी चल रहा है या नहीं चल रहा, खड़ा है नहीं खड़ा, कवर करेंगे। तो हम किसान भाई से आपका इंटरव्यू कराएंगे। नमस्कार भाई, मेरा नाम मोहित सिद्धू है, गांव पालती का रहने वाला हूँ और ये हमारा ट्रैक्टर 1971 मॉडल आज भी चालू हालत में है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं चल रहा है, सभी काम सारे उपकरण हम जो इससे चलाते हैं बढ़िया, सारा खेती का काम यही कर रहा है। हम आपको उपकरण भी दिखाएंगे जो ये रन कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो मोहित भाई, हम ये जानेंगे कि इस पर आप क्या क्या चला रहे हैं, क्या क्या यंत्र चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो हम इस पर 9-10 का तो कल्टीवेटर है हमारे पास, अगर ये 25,000 है तो हम 8 का चला रहे हैं। आज भी हमारे पास इंग्लिश टीलर बोलते हैं वो हमारे पास है, तो उसी को हम चलाते हैं। और हमारा मैडा है और भी आपका हैरो है, लेजर है, सभी ऐसी चीज़ जो खेती करने वाली है, रोटावेटर को छोड़ के हम सभी इस पर चलाते हैं। बाकी धान बरसाने का पंखा A to Z जो भी इसके हिसाब से है सब इससे चलाते हैं। तो मोहित भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि इतना पुराना ट्रैक्टर है तो आज तक इस ट्रैक्टर में कोई शिकायत आई है या कोई मेंटेनेंस है या नहीं है? मेंटेनेंस समय के साथ कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत हुआ, वरना मेजर कोई ऐसा इसमें मेंटेनेंस नहीं है कि आप खेत में काम कर रहे हो कुछ ज़्यादा बड़ी गड़बड़ होगी या कुछ ऐसा। बाकी ये लगा लो आप 50 साल हो गए हैं, लगभग 50 साल है, बाकी बिल्कुल अभी तक बढ़िया कंडीशन में पूरा काम कर रहा है, आज तक धोखा नहीं दिया इस ट्रैक्टर में। ओवरऑल मान के चलें आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, अच्छा ट्रैक्टर चल, बिल्कुल संतुष्ट हैं। तेल के माइलेज की अगर बात करें तो क्या माइलेज आ रहा है? तेल का माइलेज के बारे में अगर हम सोचें तो हो सकता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक सिलेंडर राइसर से भी कम इसका माइलेज है। 2 सिलेंडर ट्रैक्टर है हमारा, 1 सिलेंडर राइसर से भी इसका कम माइलेज है और काफ़ी अच्छा काम करता है। बाकी सेल्फ स्टार्ट, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि वो है, पावर ब्रेक हर चीज़ से हम खुश हैं। अगर मैं जानना चाहूँ ये कि अगर आप कुछ पता हो इसके बारे में, आपने किस कीमत के कीमत में लाए थे, आपके पहले दादा जी लेकर आए थे तो कुछ कन्फर्म तो मुझे नहीं है, लेकिन वो जिस हिसाब से बताते 40 या 50 के अंदर था इसका मामला, थोड़ा 40,000 का हो या 50, और ये वैसे बोलते कन्फर्म नहीं कर सकता। बाकी यही बोलते कि ये ट्रैक्टर इम्पोर्टेड है, क्या यूको सलाविया से आते थे पहले ये मीटर, उस टाइम का हुआ है सन 71, तो उस टाइम इम्पोर्टेड होते थे ज़्यादातर। ये तो मैं कन्फर्म नहीं कर सकता कि वहाँ का ही पीस है या यहाँ का पीस है, बाकी जो बोलते थे कि इम्पोर्टेड ही बताते थे। तो किसान भाइयों, आप कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही ट्रैक्टर की कंडीशन है, जंग भी आज तक ऐसा नहीं है कि कोई 50 साल में जंग लगा हुआ है कहीं का, रिम वगैरह कुछ वैसा बहुत लगा हुआ है। 12-4-28 इसमें टायर हैं आप देख सकते हैं, और आगे के 6 के हैं, 6-16 के टायर हैं, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एयर दिया हुआ है और 2 सिलेंडर ट्रैक्टर है। इसमें कंटेनर भी लगाया गया है ब्रेक के लिए, आप देख सकते हैं ऑयल ब्रेक है ना, ऑयल ब्रेक है, और यहाँ पर ये डिफरेंशियल लॉक भी दिया हुआ है पुराने जमाने में, जो कि 50 साल से पहले एडजस्टेबल धुरा था आ चुका है, और एडजस्टेबल आज भी जो कंपनियों में आ रहा है आज भी पहले ही दे दिया था इन्होंने कंपनी वालों ने, जो कि बहुत ही एडवांस फीचर है ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान भाई, आप कैमरामैन जरा आप लेकर आए इधर, ये इसका जो है लीवर दिए हुए हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल के लिए, हाइड्रोलिक कंट्रोल हाई लो, और आपका PTO जी, आप इसे गियर में PTO चला सकते हैं, और गियर ये रेस है ये आप देख सकते हैं इस तरीके। और इसमें एक बात और है कि इसमें इन्होंने रूफ लगवाई है जो कि बहुत ही एक अच्छा लुक दे रही है ट्रैक्टर को, बहुत ही शानदार है। मॉडिफाई होना बाकी है, पीछे से अगर हम बात करें तो ओवरऑल बहुत ही शानदार है ये, आप देख सकते हैं कि ये आज भी हिच ऐसे का ऐसी है, इसमें ना कोई चेंज हुआ है ना, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। मोहित भाई, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जो फीचर इसमें पहले थे चले आ रहे हैं, आपका मन ये नहीं करता कि आप नया ट्रैक्टर लें, जो कि बहुत ही नया ट्रैक्टर लेने का तो मन देखो सबका करता है, लेकिन मैं एक बात कहनी चाहूँगा कि आज भी जो फीचर सन 71 में उन्होंने दिए हैं लीटर वालों ने, वो मैं मानता हूँ कि हो सकता है सारे फीचर आज भी किसी एक ट्रैक्टर में इकट्ठा ना, जितने फीचर इसमें किसी इकट्ठा एक ट्रैक्टर में ना आ रहे हैं जी। बाकी देखो सभी नई चीज़ टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, समय के हिसाब से सभी को लेना पड़ता है, ऐसी बात नहीं लेंगे नया ट्रैक्टर भी लेंगे, चलाया भी है, बाकी इसे बेचने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, सर रखेंगे बिल्कुल, अब इसे रखेंगे एक शानदार पर। एंटीक आने वाले बच्चे ये तो देखेंगे भी ऐसे भी ट्रैक्टर आते थे कि 50 साल चलने के बाद भी आज भी काम कर रहा है वो। तो बहुत भाई हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भाई। तो किसान भाइयों,
हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन को भी दबाएं।